पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किन सबको लाभ मिल रहा है उसका जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से लिस्ट जो जारी हुआ है वो लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन ये बोलता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ नहीं मिलता है तो आप जो है बहुत ही इजी तरीका से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से उस पर्सन को चेक कर सकते हैं कि उस पर्सन को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सोबाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है आपको, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है जिस लिस्ट में आप ये चेक कर सकते हैं किन पर्सन को सरकार के तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो अब आपको केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सरकार ने नया अपडेट दे दिया है जिससे आप मार्च 2022 से पहले पहले आपको केवाईसी कर लेना है। तो आप अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो मार्च 2022 से पहले पहले केवाईसी कर लीजिए। तो मैं आपको वो सारा लिस्ट दिखाया हूँ जहाँ से आप बहुत ही इजी तरीका से ये चेक कर सकते हैं कि किन पर्सन को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किन पर्सन को लाभ मिल रहा है और किन पर्सन को जो है लाभ नहीं मिल रहा है। आपको वो सारा लिस्ट जो है आपको इसमें भर भर के मिल जाता है। जिसका भी नाम जो है इस लिस्ट में होगा उन पर्सन को जो है सरकार के तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उन पर्सन को साल में 6,000 रुपया मिल रहा है। अगर किसी भी पर्सन को जो है इसमें नाम नहीं है तो समझिए कि उन पर्सन को जो है लाभ सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे चेक करेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप अच्छी तरीके से ये चेक करना सीख जाएंगे किन पर्सन को जो है सरकार के तरफ से लाभ मिल रहा है या लाभ नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने नया लिस्ट जारी कर दिया है जिससे आप घर बैठे बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अब आप मार्च 2022 से पहले पहले अगर आप केवाईसी नहीं किए हुए हैं तो केवाईसी कर लीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं कीजिएगा केवाईसी तो आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो लाभ मिल रहा है वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इस लिस्ट में आप जो है उन पर्सन को देख सकते हैं जिन पर्सन को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा तो आप सब कुछ सीख आएंगे कि किसको लाभ मिलता है और किनको लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये चेक करेंगे कि किस सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किस सबको लाभ मिल रहा है और किस सबको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है पीएम किसान, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डाला पीएम तो यहाँ पर आ चुका है pmkisan.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पीएम किसान, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आपके सामने में पीएम किसान सम्मान निधि का ये जो है वेबसाइट आपके सामने में यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर जो है आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ बेनिफिशरी का जो है स्टेटस है उसका चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा बेनिफिशरी लिस्ट, तो अगर आपको नहीं पता है कि किस सबको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में है किस सबको जो है बेनिफिट जो है मिल रहा है और मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी लिस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखलाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है, आप कौन से स्टेट से हैं। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। यहाँ ब्लॉक चूज कर लीजिए आपका ब्लॉक कहाँ पे है। इसी तरीके से यहाँ पर अपना विलेज चूज कर लीजिए आपका विलेज कहाँ पे है। जैसे ही यहाँ पे आप
सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जिस सबका यहाँ पे लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, उस सारा का सारा यहाँ पे उस सबका मेल फीमेल का यहाँ पे पूरा लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, यहाँ जो है फार्मर का नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाता है। अब इसमें जो है आपको ढूंढ लेना है किसका आप जो है देखना चाहते हैं कि उसका जो है लाभ मिल रहा है। तो इसमें जितने भी दे रखा है उस बेनिफिशरी, उस सारे के सारे का जो है यहाँ पे उस फार्मर का लाभ यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक है, दो है, दो वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ 50 है, जैसे दो वाले पे क्लिक करते हैं तो इससे आगे वाले जो सीरियल नंबर है वो आपके सामने में यहाँ पे आ जाता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 पे क्लिक किया, यहाँ 100 तक आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे आप 3 वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 150 तक आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है कि कौन सा पर्सन को यहाँ पे लाभ मिल रहा है किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो यहाँ पे उसका जो है सारा का सारा यहाँ पे नाम आ जाता है। अगर किसी का अपना है तो उसका फादर का नाम आएगा, अगर किसी लेडीज़ का है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे उसका जो है एड्रेस आ जाता है कि कहाँ का है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और स्टेट में चेक करना है तो इसी तरीके से स्टेट चूज कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है गुजरात का चेक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई पर्सन गुजरात में रह रहा है, अगर उसको नहीं पता है कि सबको जो लाभ मिल रहा है, तो बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर मैं जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो करते जाइएगा, और यहाँ पर जो विलेज डाल देना है इस तरीके से, और यहाँ पे गेट रिपोर्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए गुजरात का जो भी फार्मर है उस सारा का सारा फार्मर को यहाँ पे, सो यहाँ से आप जो है बहुत इजी तरीके से कोई भी स्टेट में फार्मर का जो है आप चेक कर सकते हैं कि किसका जो है बैलेंस है पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिखलाई भी दे रहा होगा बेनिफिशरी लिस्ट अंडर पीएम किसान। तो जो भी किसान जो है पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर आते हैं उस सब का सारा जो है लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा। आप बहुत ही इजी तरीके से बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना साइबर कैफे जाए, बिना दुकान में जाए, आप बहुत ही आसानी से घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें अपना स्टेट चूज कर लेंगे, इसी तरीके से यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने गांव का नाम डालेंगे, यहाँ ब्लॉक आपका कहाँ पड़ता है, इसके बाद यहाँ अपना विलेज डालेंगे, यहाँ पे गेट रिपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे जैसे मैं अभी आपको दिखाया हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। आप इसमें जो है सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं किस सबको मिल रहा है और किस सबको नहीं मिल रहा है। अगर आप एड करवाए हुए हैं और आपको जो है कोई कहता है कि मिलेगा, तो आप बहुत ही इजी तरीके से जो है इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका नाम इसमें होगा तो आपको जो है सरकार की तरफ से जो है आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको जो है इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आपको जो है सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और किस सबको लाभ मिल रहा है वो बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। सो गाइस, ये जो लिस्ट है आप इस लिस्ट में बहुत ही इजी तरीके से अपना नाम ढूंढ सकते हैं कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर किसी पड़ोसी को मिल रहा है और वो आपको बोलता है कि हमें नहीं मिलता है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप जो है इस लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं कि उसको मिल रहा है या वो आपको बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको मिल रहा है और आपको बोल रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज डाल के आप जो है उस पर्सन का जो है नाम इसमें खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गाइस, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो पर डे अपलोड करता ही रहता हूँ। सो गाइस, अब तो आप सीख ही लिए होंगे किन पर्सन को लाभ मिल रहा है और किन पर्सन को जो है लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने एक नया लिस्ट जारी कर दिया है, जिस लिस्ट में आप उन पर्सन को देख सकते हैं जिन पर्सन को लाभ मिल रहा है। जिन पर्सन को लाभ मिल रहा है उन पर्सन को मार्च 2022 से पहले पहले KYC करना जरूरी हो गया। अगर आप KYC नहीं कीजिएगा तो आपको जो है सरकार की तरफ से कोई भी फंड, कोई भी राशि आपको पीएम किसान सम्मान निधि में आपको एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है। तो मार्च 2022 से पहले पहले आप KYC कर लीजिए और ये जो है लिस्ट आप निकाल के देखना सीख ही लिए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।